हेलो एवरीवन, दिस इज सुधीर एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुधीर। टुडे वी डिस्कस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे कॉटन जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसकी बात करेंगे। ये पार्ट वन है और पार्ट टू के अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे। अगली जो वीडियो है उसके अंदर भी इसी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। अब जो डिस्कस करते हैं वो कॉटन टेक्सटाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार पिछली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री टेक्सटाइल इंडस्ट्री। केवल इसके जो कंसेप्ट हैं उसको डिस्कस किया था कि जो टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है वो होती क्या है और कितने परसेंट लोग काम करते हैं, जीडीपी कितनी है, कितनी शेयरिंग करती है जीडीपी में और कितना फॉरेन एक्सचेंज है, कितने लोग काम करते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमने वो स्टडी की थी। इसके अंदर हम जो कॉटन जो टेक्सटाइल है उसका जो कंसेप्ट है वो स्टडी करेंगे इसमें सिर्फ कंसेप्ट के बारे में। और पहली जो कॉटन जो टेक्सटाइल जो मिल थी सक्सेसफुली वो हुई मुंबई के अंदर इन 1854 के अंदर। मुंबई के अंदर पहली बार एक सफल सूत जो कॉटन जो टेक्सटाइल है उसकी स्थापना की गई। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर दो चीज़ें थी, एक तो थी हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग, कि हाथ से कपड़ा बनाना, हाथ से धागा बनाना, इस तरह का जो कार्य है वो किया जाता था। पर कुछ टाइम के बाद उसको एक कंपटीशन है वो मिला, किसके द्वारा? पावरलूम के द्वारा। पावरलूम होता क्या है ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। पावरलूम का मतलब होता है कि जो काम हाथ से किया जाता है अब उसकी जगह किसने ले ली है? मशीनों ने। जो मशीनों से जो काम किया जाने लगा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर उसको बोला जाता है पावरलूम। इसके दो सेक्टर हैं, दो भी सेक्टर आते हैं, तीन भी सेक्टर आते हैं। मैं एक बार सेक्टर की बात करूँ तो जैसे आप प्लस टू के अंदर पढ़ोगे तो वर्ल्ड की जो बुक है उसके अंदर आपको तीन सेक्टर मिलेंगे, हैंडलूम है, पावरलूम है और मिल सेक्टर है, ये तीन मिलेंगे। और जबकि आप इंडिया के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो आपको हैंडलूम और पावरलूम दो ही चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर क्या हुआ कि जैसे पावरलूम है वो उसने कॉम्पिटिशन दिया हैंडलूम को और हैंड स्पिनिंग को, क्योंकि जो हैंड स्पिनिंग है और हैंडलूम जो वीविंग है ये ज़्यादातर क्या है कि जो ग्रामीण जो इलाके थे हमारे उसके अंदर किया जाता था और बड़े पैमाने पे लोगों को जो रोज़गार है वो मिलता था और इसके साथ साथ और भी जो वर्कर थे वो जुड़े हुए थे। फिर इसको एक कंपटीशन है वो फेस करना पड़ा। फिर जो कॉलोनियल जो टाइम पीरियड था जब अंग्रेज भारत के अंदर आए, जो ब्रिटिशर थे वो इंडिया के अंदर आए, तो उन्होंने एक जो हमारी जो कॉटन जो टेक्सटाइल थी उसको कंपटीशन करना पड़ा, किसके द्वारा? मिल मेड क्लॉथ के द्वारा। जो मिलों के अंदर जो कपड़ा जो बनता था उसके द्वारा हमारी जो कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उनको कंपटीशन करना पड़ा। और ये जो कंपटीशन है उसमें हमारी जो कॉटन इंडस्ट्री है वो एक तरह से असफल रही, सक्सेसफुल नहीं रही। क्यों नहीं रही उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्योंकि जो मिल होते हैं इनमें जो कपड़ा जो बनता था उसकी क्वालिटी अच्छी होती थी और दूसरी बात है कि जो क्वांटिटी होती थी एक दिन में हज़ार लाख ऐसे जो प्रोडक्शन है वो की जाती थी। पर जो हैंडलूम है या फिर मैं बात करूं कि हैंड स्पिनिंग है या फिर इंडिया की जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं थी, केवल एक लिमिटेड ही जो क्लॉथ है वो बना पाती थी। और इंडिया के अंदर जो कपड़ा जो तैयार किया जाता था सूती जो कॉटन का वो क्या होता था, वो महंगा होता था, जबकि मिल के द्वारा बनाया गया जो कपड़ा था वो सस्ता होता था, क्योंकि यहाँ पे जो वर्कर हैं वो कम काम करते थे और यहाँ पे वर्कर ज़्यादा काम करते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ कि जो कंपटीशन है वो ज़्यादा फेस करना पड़ा। और इसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने क्या किया कि इंग्लैंड के अंदर जब इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन आई तो जो कॉटन जो इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी थी वो भारत के अंदर भी ले आए। जब वो भारत के अंदर भी जो इंडस्ट्री है वो ले आए तो इसके कारण क्या हुआ कि जो हमारी जो ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी वो डिक्रीज होती गई, उनमें भी जो गिरावट है वो देखने को मिली। क्योंकि अब क्या हुआ कि जो हैंडलूम है और जो हैंड स्पिनिंग है इसका जो कार्य था वो लगभग समाप्त हो गया, अब जो सारा जो काम है वो किया जाने लगा पावरलूम के द्वारा, तो ये भी एक कारण था। फिर अगला जो पॉइंट बता रखा है ये है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियाँ हैं वो हमारी गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर हैं, ऐसा क्यों है? ये पॉइंट, ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड पूछ सकता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है, तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर जो कॉटन इंडस्ट्री हैं वो क्यों हैं, तो इसके कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है, कई हैं। जैसे रॉ मटेरियल, जो रॉ मटेरियल है
गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर आपको पता है कि जो कॉटन है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लैक सॉयल है वो अवेलेबल होती है। दूसरी चीज़ है मार्केट, जो मार्केट है वो भी अवेलेबल है। तीसरी है ट्रांसपोर्ट, पोर्ट, यहाँ पे सी पोर्ट भी है और एयरपोर्ट भी, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। लेबर भी आसानी से यहाँ पे मिल जाती हैं। और क्लाइमेट है, क्लाइमेट के अंदर कैसी है, नमी है, क्योंकि ये कोस्टल रीजन के आसपास ही लोकेटेड हैं, ये पाए होते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो मोस्ट जो क्लाइमेट है वो होता है, और क्योंकि जो धागा है वो टूटता नहीं है, नमी वाले जो क्लाइमेट है उसके अंदर जो धागा है वो टूटता नहीं है, तो ये भी एक बेनिफिट का काम करती है। ये आपको समझ आ गया होगा, फिर भी कुछ समझ नहीं आया तो आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। फिर बात करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को स्पोर्ट इंडस्ट्री भी कहा जाता है। कि स्पोर्ट इंडस्ट्री क्यों कहा जाता है, स्पोर्ट इंडस्ट्री इसके अंदर जो फार्मर हैं दो तरह से इसको हम पढ़ेंगे, एक तो जो फार्मर है उनको सपोर्ट करती है और जो वर्कर है उनको सपोर्ट करती है, एक पार्ट में ये पढ़ेंगे। जो फार्मर है उनको कैसे सपोर्ट करती है, क्योंकि आपको पता है कि जो कॉटन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो किस पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। जो एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर कौन करते हैं, फार्मर एग्रीकल्चर करते हैं, और वो कॉटन को की जो कल्टीवेशन है वो करेंगे और फिर उसको मार्केट में बेचेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो फार्मर है उनकी हेल्प होगी, वर्कर को कैसे हेल्प होगी, वर्कर को यहाँ पे जो एम्प्लॉयमेंट है वो मिलेगा, काम है वो मिलेगा। दूसरी चीज़ है इंडस्ट्री, ये दूसरी जो इंडस्ट्री है उनको भी सपोर्ट करती है। कैसे, कुछ जो केमिकल इंडस्ट्री हैं या फिर जो डाई इंडस्ट्री हैं या फिर मील स्टोर हैं या जो पैकेजिंग जो इंडस्ट्री हैं उनको भी सपोर्ट करने का कार्य है वो करती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ आ गई होगी, और फिर भी कुछ आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।